नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक न्यूज़ देने जा रहा हूँ। वह है आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने जा रहा, लेकिन इसमें एक नई बात भी है। वह है कि आम आदमी पार्टी JJP व कांग्रेस के बीच हरियाणा में कुछ दिन पूर्व, लगभग 2 दिन पूर्व तक लगभग समझौता हो गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी 6, JJP 3 व आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा 1 सीट और कम करने से यह बात बिगड़ गई। उधर आम आदमी पार्टी जहां पंजाब में व गोवा में भी कांग्रेस से समझौता चाहती थी, मगर समझौता नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी को आम आदमी बता रही है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बाकायदा तौर पर एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन करके इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल मोदी व शाह की जोड़ी को हराने के लिए कांग्रेस से समझौता चाहती थी, तथा उन्होंने हरियाणा में JJP को भी इसके लिए राजी किया था, मगर कांग्रेस पार्टी ने अंतिम समय पर यह कह दिया कि वे केवल दिल्ली में समझौता चाहते हैं, तथा दिल्ली में उनका एक भी विधायक ना होने के बावजूद वे 3 सीटें मांग रहे थे, जबकि पंजाब में हमारे 4 सांसद व विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमें वे 1 सीट देने पर भी तैयार नहीं थे। इसलिए आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि वे अपने दम पर दिल्ली पंजाब में चुनाव लड़ेगी, वहीं JJP के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। गोवा में भी आम आदमी पार्टी बड़ी शक्ति है, यह दावा मनीष सिसोदिया का है। लेकिन मनीष सिसोदिया व संजय सिंह, जो दोनों पत्रकार सम्मेलन में थे, उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि मोदी व शाह की जोड़ी हारे। अगर सांप्रदायिक शक्तियों का पुनः देश में सत्ता में आई तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार होगी। मनीष सिसोदिया आज पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस के साथ समझौता ना होने पर दुखी भी नजर आए। तो दोस्तों, आज की यह बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के समझौते पर ब्रेक लग चुका है। धन्यवाद। नमस्कार।